हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश। सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मैथ का वीडियो लेकर आए हैं, क्लास 7 एक्सरसाइज 4H भारती भवन हिंदी मीडियम। 6 नंबर का सवाल देखेंगे जिसमें कि x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 9/4, ये है सवाल। अब इसमें x का मान हमें निकालना है। पहले तो जैसे है वैसे कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 4 LCM निकालेंगे, 4x प्लस 3, यहां भी उसी तरह से 4 LCM निकालते हैं और यहां पे आ जाएगा 8x माइनस 9। 4 को कैंसिल कर देते हैं, 4x प्लस 3 इजकल टू 8x माइनस 9। 4x माइनस 8x इजकल टू माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, x इजकल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4। ऊपर नीचे दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा। एक्स का मान 3 आ गया, ठीक है, और यही आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 7। सेवन नंबर सवाल में 2/3 एक्स प्लस 3/4 एक्स प्लस 4/5 एक्स इज इक्वल टू 4 13/30। ठीक है, ये आपका सवाल हुआ। 2/3 एक्स प्लस 3/4 एक्स प्लस 4/5 एक्स इजकल टू 4 13/30। जैसा कि हम लोग करते हैं, एलसीएम ले लीजिए सबका, 60 आएगा। 60 को 3 से डिवाइड करिए, 20 आएगा। 20 को 2 से करिए, 40x। 4 से करिए, 15 आएगा। 15 को 3 से करिए, 45x। 5 को कीजिए, 12 आएगा, 48 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 12 120 और 133, 120 में 13 जोड़ देंगे, 133 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। चाहें तो इसको आप काट सकते हैं। अब ऊपर सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 8 × 5 = 13 का 3, बाकी 1, 5, 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 13। अब देखिए इसको काट सकते हैं आप। x बाय 2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 2 आया और यही 7 का आंसर आ गया। 8 नंबर का सवाल देखिए, x बाय 4 प्लस 3/8x माइनस 5/8 इजकल टू 3 माइनस x बाय 6 प्लस 1/3।
एलसीएम करिए, एट ही आएगा, 2x, 3x, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, 18x, 2, -5, इधर तो जुड़ जाएगा, 20-x, इसको काट सकते हैं 2 का टेबल से, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 15x-15, 80-4x, 4x को इधर कर लीजिए, 15 को उधर भेज दीजिए, 19x इधर भी जोड़ दीजिए, 95-19, 5 बार में कट गया, x बराबर 5, और यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 8 नंबर का सवाल भी हम लोग इस तरीके से बना लिए। अब चलते हैं 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सवाल देखते हैं। 9 नंबर में x/30-1/33 इक्वल टू x/11-7/22, x/30-x/11, इसको x को इधर कर लेते हैं और इधर कर लीजिए तो एलसीएम लेने में ज़्यादा फायदा होगा, 1/33, ये माइनस है तो इधर आया प्लस हो गया, LCM ले लिए, इसका आ जाएगा 11x-11 से करेंगे, 11 से करेंगे तो आएगा कितना, 30x, आएगा, ठीक है, 30x कर देते हैं, इसका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, 66, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 21, 21, ठीक है, तो 22 से डिवाइड करेंगे, 3 बार आया, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसको माइनस कर लीजिए, 30 से 11 माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 2 में से 19x डिवाइडेड बाय 330, और इधर आ जाएगा 19-19 डिवाइडेड बाय 66। अच्छा, इसको काट सकते हैं, x/330=1/66 मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई,
330 डिवाइडेड बाय 66, 11 से काट लीजिए, फिर 6 से काट लीजिए, एक्स इजकल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से 9 नंबर का सवाल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर पक्षांतर नहीं भी करते हैं तब भी इसको उसी रूप में बना सकते हैं, लेकिन बात उतना ही है, इसलिए पक्षांतर करके भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब चले आते हैं 10 नंबर का सवाल। एक्स बाय बी माइनस ए बाय बी प्लस एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए इजकल टू 2, ये है सवाल। सब कैल्सियम निकाल लेते हैं, एक ही बार ए बी आ जाएगा। ए बी में बी से डिवाइड करिए, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा, तो आप ऐसे करिए इसको, ए एक्स प्लस बी एक्स को एक जगह कर लीजिए, अब प्लस इधर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है, बटे ए बी बराबर 2। अब इससे फायदा क्या हुआ हमको, इसमें एक एक्स कॉमन ले सकते हैं तो ए प्लस बी आएगा, और इसमें अगर माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों माइनस में है, डिवाइडेड बाय ए बी बराबर 2 बाय 1। इसमें इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो इसलिए इसको फिलहाल वही रहने दीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही रहने दीजिए, अभी कॉमन लेने का ज़रूरत नहीं है, बराबर 2ab। अच्छा, इसमें देखिए, अगर हम इसको बराबर के दूसरे साइड भेज देते हैं तो एक सूत्र बन जाता है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स को जिधर है उधर ही रहने दीजिए और इसको भेज दीजिए उधर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसे एक सूत्र बन जा रहा है। सूत्र क्या बन जा रहा है, ए एक्स इसका है ए एक्स प्लस बी एक्स इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स कॉमन लीजिए ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक्स बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी, और एक्स बराबर इसको दो बार लिख दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस, ये दोनों कट जाएगा, x बराबर आ गया a प्लस बी, ठीक है। एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे कॉमन लिया गया है और ये स्टेप, तो ये स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आप क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, ये अनावश्यक हो गया है, इसको करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। ये कभी अगर कॉमन निकलता तो इसको करने से फायदा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन निकल ही नहीं रहा है, तो कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये लेने का जरूरत नहीं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस गुना कर लेंगे, जस्ट ये चीज आ जाएगा,
ये देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से टू इंटू ए बी टू ए बी, उसके बाद बराबर के उधर भेज दीजिए दोनों प्लस हो जाएगा, तीनों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, फिर एक्स का मान निकाल देंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज 6 से लेकर के 10 नंबर तक का सवाल किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।